दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है भारत की वित्तीय संपत्ति में वृद्धि। भारत में वित्तीय संपत्ति 2020 में 11% बढ़कर 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। बीसीजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय संपत्ति में 11% की वृद्धि 5 साल से 2020 तक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के बराबर थी। वित्तीय संपत्ति को वयस्क व्यक्तियों द्वारा धारित वास्तविक संपत्ति और देनदारियों को छोड़कर कुल संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। रिपोर्ट में आय में अधिक असमानता और महामारी के कारण इसकी बढ़ती स्थिति के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले कुछ वर्षों में वित्तीय संपदा में तेजी से विस्तार होगा। भारत में 2025 तक 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि की उम्मीद की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में यह संख्या लगभग दोगुनी होकर 1400 हो जाएगी। भारतीयों की सीमा पार संपत्ति 2020 में बढ़कर 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो कि वित्तीय संपत्ति का 5.7% है। रिपोर्ट के अनुसार यह अनुपात 2025 तक बढ़कर 6.3% हो जाएगा। अचल संपत्ति, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, गैर मौद्रिक सोना, अन्य धातुएं वास्तविक संपत्ति में शामिल हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक वास्तविक संपत्ति 8.2% प्रतिवर्ष बढ़कर 18.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है।